पांडवेश्वर क्षेत्र के खुटाड़ी ओसीपी में डीजीएम सतीश मुरारी की अध्यक्षता में गुरुवार 12 जनवरी को ओसीपी कार्यालय में माइनिंग स्टाफ को लेकर कोयला उत्पादन और उत्पादकता को लेकर बैठक किया। बैठक में खुटाड़ी ओसीपी के सभी माइनिंग सरदार और ओवरमैन के अलावा प्रबंधक संजय कुमार राय भी उपस्थित थे। बैठक में डीजीएम ने उपस्थित सभी माइनिंग सदस्यों से कहा कि पांडवेश्वर क्षेत्र की कोयला उत्पादन में स्थिति बहुत ही खराब है और खुटाड़ी ओसीपी भी अपने लक्ष्य से बहुत पीछे चलने के साथ अपनी घाटा को बढ़ा रहा है। इसलिए हम लोगों को ओसीपी में मिट्टी रिमूव और कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए टीम वर्क के साथ जोर लगाकर कार्य करना होगा, तभी हम लोग पिछले वर्ष के लगभग कोयला उत्पादन करके अपनी सम्मान को बचा सकते हैं। डीजीएम ने कहा कि प्रतिदिन 10,000 क्यूबिक मीटर मिट्टी रिमूव करने के साथ 2,000 मैट्रिक टन कोयला उत्पादन करने का लक्ष्य लेकर कार्य करना होगा, तभी हम एक सम्मानजनक स्थिति में खुटाड़ी ओसीपी को पहुंचा सकते हैं। सभी माइनिंग सदस्यों ने कहा कि मशीनों की उपलब्धता और रोड की मरम्मति अगर सही हो तो हम लोग खुटाड़ी ओसीपी से मिट्टी की उठाई और कोयला उत्पादन अच्छी हो सकती है। बैठक में माइनिंग स्टाफ यूएस दुबे, सरोज गांगुली, अमृत यादव, कीर्तमान मंडल, रोहित केशरी, कंचन घोष, तुषार कांति, उदय राणा, जितेन घोष समेत अन्य माइनिंग स्टाफ उपस्थित थे। खबर पांडवेश्वर की रिपोर्ट। 7-8 हज़ार वो भी आप उठा रहे हैं तो 12-15 वो लगता है, 1200-1400-1500 कुछ ऐसा कोयला निकल जाता है और थोड़ा बढ़ा देने से कोयला तो हाँ। टू व्हीलर मतलब पांडवेश्वर एसएनजी होंडा, चलिए अपने सपनों के राह में न्यू होंडा टू व्हीलर के साथ में आइए और न्यू होंडा टू व्हीलर के साथ अपना राइड एंजॉय कीजिए और पाइए 4,500 रुपए तक की छूट कोई भी बाइक या स्कूटर के ऊपर। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ आपको मिलता है सहज बचत, लो डाउन पेमेंट और कोई भी कंपनी का बाइक एक्सचेंज का सुविधा। तो और देर न करे, आ जाइए पांडवेश्वर एसएनजी होंडा, पांडवेश्वर एरिया मोड, कीता लॉज बिल्डिंग, फर्स्ट फ्लोर, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के ऑपोजिट पे, अथवा संपर्क करें स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर।